डलहौजी, महंगाई व बेरोजगारी भाजपा के पतन का मुख्य कारण कुलदीप पठानिया। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता व प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी ने कांग्रेस सदस्यता अभियान के अंतर्गत भटियात के ककीरा और बकलोह कैंट का दौरा किया और पंचायत की जनता से संवाद किया। ककीरा पहुंचने उनका ककीरा व्यापार मंडल समस्त महिला मंडल गोरखा एक्स सर्विसमैन लीग गोरखा कल्याण समिति समस्त लोगों द्वारा हार और मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। ककीरा कस्बा के प्राचीन शिव मंदिर के प्रांगण में स्थानीय जनता व कांग्रेस कार्यकर्ताओं में 2022 में होने वाले विधानसभा के चुनावों को लेकर चर्चा की गई, जिससे कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखा। कांग्रेस के पूर्व विधायक एवं वर्तमान में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता कुलदीप सिंह पठानिया ने महंगाई व बेरोजगारी को लेकर वर्तमान सरकार के ऊपर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। आज की युवा पीढ़ी पढ़ लिख कर दर दर ठोकरें खाने को मजबूर हो चुकी है। भाजपा की दमनकारी नीतियों से आम आदमी परेशान है। उन्होंने कहा कि स्कूल हो या हॉस्पिटल हो, सड़कें हो या अन्य सुविधाएं कांग्रेस की देन है। कुलदीप पठानिया ने कहा कि उन्होंने भटियात के लगभग 30 पंचायतों में अभी तक कांग्रेस सदस्यता अभियान के तहत लोगों से रूबरू हो चुके हैं और लोगों की समस्याओं को भी सुन चुके हैं। उन्होंने बताया कि उनको सदस्यता अभियान के तहत जनता का भरपूर सहयोग मिला। कई लोगों ने भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन भी थामा। कांग्रेस सदस्यता अभियान में कई गणमान्य लोग और ककीरा व बकलोह के समस्त जनता मौजूद रही। लीग की तरफ से कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस का झंडा कुलदीप सिंह पठानिया के ऊपर हमेशा फैलाता रहेगा। थैंक यू। मेरे पास विधायक निधि की वो व्यवस्था नहीं थी जो वर्तमान के विधायक के पास है, क्योंकि वर्तमान के विधायक के पास 125 करोड़ रुपए उसकी डिस्पोजल के ऊपर रखा है, ताकि वो ऐसे छोटे छोटे जो विकास के जो काम हैं, जो गैप्स हैं डेवलपमेंट में, उसको करने में योगदान दे। और ऐच्छिक निधि भी रखी है विधायक निधि के साथ, ताकि कोई गरीब जो है जिसको आवश्यकता हो धन की, सहायता की, जैसे अभी बलेरा में एक्सीडेंट हुआ, बहुत सारी ऐसी गरीब परिवार हैं, तो ऐच्छिक निधि के माध्यम से स्थानीय विधायक जो है उन परिवारों का, उन पीड़ितों की मदद करें। मैं इस विषय के ऊपर बाद में आऊंगा, क्योंकि अशोक विश्व ने इसकी तरफ इशारा कर दिया। मुझे खेद इस बात का है, हमारे पास मात्र 15 लाख से ये शुरू हुई, 25 लाख तक गई। शुरुआत राजा वीरभद्र सिंह, जो हमारे प्रदेश के बहुत ही आदरणीय सम्माननीय माननीय नेता रहे हैं, ये छोटा छोटा जो भी विकास के काम हमें दिखते हैं आज गांव में, छोटे छोटे की जैसे जेब से आपने टॉफी निकाली और बच्चे को दे दी, ये इसके बराबर है। लेकिन दुर्भाग्य से, चाहे वो प्रदेश की बात हो, चाहे स्थानीय स्तर की बात हो या जिले की बात हो, अब ये भी तजुर्बे जो है जनता के माध्यम से हुए, वे प्रतिनिधियों को निभानी चाहिए थी, उसमें कितने सफल हुए कितने नहीं सफल हुए उसका मूल्यांकन आपने अभी कम। डलहौजी से आपका फैसला टीवी के लिए संवाददाता अश्वनी साहिल की रिपोर्ट।